स्टॉक जो अभी हाईलाइट भी करना चाहेंगे, टाटा मोटर्स। आप पूरे इस वक्त स्पेस पे देखें, ऑटो स्पेस में आपको कुछ खास बज नहीं दिखाई देगा, लेकिन सुबह से ही टाटा मोटर्स गिरी हुई मार्केट में भी तेज है। उसका रीजन है, टाटा मोटर्स अपनी एक न्यू ईवी एसयूवी लॉन्च करने वाला है। आज दोपहर को वो ये मॉडल लॉन्च भी होगा, हालांकि कुछ इनिशियल उसका एक मॉडल ज़रूर अनवेल किया है, कुछ फुटेज ज़रूर अनवेल किया है कंपनी ने। तो ये एक बहुत समय से टाटा चाह रहा था कि एक वो मिड सेगमेंट की एसयूवी लेकर आए जो नेक्सन और हरियर स्पेक्ट्रम के बीच की कार हो, और आज ये कार लॉन्च होने वाली है। तो एसयूवी स्पेस और साथ ही ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी, सो दिस इज व्हाट इज मेकिंग टाटा मोटर्स अ लिटिल बजिंग टुडे। 0.5% अप टाटा मोटर्स, और अमिड सारा ऑटो पैक आपको जबकि नीचे दिख रहा, लेकिन ऑटो पैक टाटा पावर टाटा स्पेस से टाटा मोटर्स। और इट्स अ कोइंसिडेंस कि आज पूरा टाटा स्पेस बाजेंगे, अरुचित पूरा टाटा स्पेस भी बाजेंगे आज। आप टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, इंडियन होटल्स, टाटा केमिकल्स, कोई भी स्टॉक उठा लें। जी बिल्कुल, आई थिंक पहले भी काफी बार देखा गया है कि ये ग्रुप में जब बाइंग इंटरेस्ट आता है तो काफी सारे शेयर्स इसमें एक साथ में एक मोमेंटम बताते हैं, और एक स्टॉक का फॉलोअप मूव हम दूसरे स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम से देखते हैं। बट आई थिंक नो ओवरऑल नो ग्रुप में डेफिनेटली एक अच्छा बज है, तो ये बज कंटिन्यू रह सकता है। और भी स्पेशली टाटा पावर जो हमने पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में अपमूव देखा है, नो आई थिंक नो दूसरे स्टॉक्स में भी टाटा पावर हो या टाटा ग्लोबल हो, ये सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, ऑलराइट। तो ये राय आपको टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर दे दी गई।